मदीना शरीफ। एक बूढ़ी औरत और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िया। बहुत ही एक अजीब व गरीब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था और उनकी बहुत ही लंबी चौड़ी हुकूमत थी। मदीने में एक बूढ़ी लाचार औरत रहती थी और वह बहुत कमज़ोर थी। एक दिन वह औरत मिट्टी के प्याले में तेल ले जा रही थी। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसला और उसके हाथ से प्याला छूट गया। मिट्टी का प्याला ज़मीन पर गिर गया और उसका सारा तेल बह गया। फिर वह मिट्टी का प्याला उठाकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आती है और कहती है, मैं एक बेवा और बूढ़ी औरत हूँ। मैं इस प्याले में तेल ले जा रही थी, अचानक मेरा पैर फिसला और तेल का प्याला गिर गया। आप मुझे मेरा तेल वापस करा दीजिए। उसकी बात को हजरत उमर ने सुना और खजांची को बुलाया और उससे कहा कि इस औरत का तेल फैल गया है और इसको खजाने से तेल लाकर दे दो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर औरत बोली, ऐ उमर, मुझे खजाने का तेल नहीं चाहिए, मुझे वो ही तेल चाहिए जो ज़मीन पर फैल गया है। हजरत उमर ने उसे समझाया और कहा कि वो ज़मीन के अंदर चला गया है, वो कैसे मिलेगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर आप अमीनुल मोमिनिन हैं तो मेरा तेल वापस करा दीजिए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुए और उन्होंने चमड़े का टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखा, फिर उस औरत को दे दिया और कहा कि जिस ज़मीन पर तेरा तेल गिरा है उस ज़मीन पर इस टुकड़े को रख देना। और वो औरत चमड़े का टुकड़ा लेकर चल दी और पीछे पीछे सहाबा-ए-किराम आए। उस बूढ़ी औरत ने उस ज़मीन पर टुकड़े को रख दिया और देखते ही देखते ज़मीन फट गई। ज़मीन से तेल बाहर आ गया और फिर उस बूढ़ी औरत ने अपने प्याले में भरा और चली गई। ये मंजर देखकर सहाबा-ए-किराम बड़े हैरान हुए और चमड़े का टुकड़ा वहीं पड़ा रहा, उसको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं कर रहा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने उसको कपड़े से ढका और उठा लिया। फिर सहाबा-ए-किराम हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा कि इस चमड़े के टुकड़े पर ऐसा क्या लिखा कि उस बूढ़ी औरत का तेल ज़मीन ने वापस कर दिया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कहा कि मैंने चमड़े पर दो बातें लिखी। पहली कि ये आए ज़मीन तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, तुझे अल्लाह ताला का वास्ता इस बूढ़ी औरत का तेल वापस कर दे। दूसरी बात एक कि तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दूँगा।